बैतूल की सबसे पहले बात करते हैं संसदीय सीट की। मुलताई विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर आज पुनर्मतदान हो रहा है। दोपहर 3 बजे तक 67.93% वोटिंग हुई है। बूथों पर मतदाताओं की कतारें लग गई थी। चारों मतदान केंद्रों पर करीब 3037 वोटर हैं। बैतूल सीट पर बीजेपी के दुर्गा दास उइके का कांग्रेस प्रत्याशी रामू टेकाम से मुकाबला है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 7 मई को बैतूल सीट पर भी वोट डाले गए थे। यहां ईवीएम और मतदान कर्मियों को लेकर लौट रही बस में आग लग गई थी। पीटासीन अधिकारी मुन्ना लाल ने बताया था कि बस में 6 मतदान केंद्रों के कर्मचारी सवार थे। इनके पास बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट थी। इनमें से 4 ईवीएम आग में पूरी तरह से जल गई थी, जिसके बाद अब उन 4 मतदान केंद्रों पर फिर से वोटिंग हो रही है।